अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जे एन न्यूज़ एच डी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। लक्की मरवत के लिए एक और एहसास, शाहीन अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट तहसील सरानूरंग के कोच मोहम्मद शरीफ और एहसान स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट तहसील लक्की मरवत के कोच मोहम्मद ताहिर ने पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के नेशनल क्वालिफाइड कोच का सर्टिफिकेट और लाइसेंस हासिल किया। पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम और खैबर पख्तूनख्वा कराटे एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी नेशनल कराटे कोचिंग कोर्स का इनेकाद कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पिशावर में किया गया था, जिसमें लक्की मरवत की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए शाहीन अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट्स राय नूरंग के कोच मोहम्मद शरीफ और एहसान स्कूल ऑफ मार्शल आर्ट्स लक्की के कोच मोहम्मद ताहिर समेत सूबे भर से मेल और फीमेल कराटे कोचेज ने कसीर तादाद में शिरकत की। तीन रोज़ा कोर्स में पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के इंटरनेशनल क्वालिफाइड कोचेज ने कराटे के जदीद रूल्स के तहत नित नए टेक्निक्स और ट्रेनिंग कराई। इसके साथ साथ काबिल और माहिर डॉक्टर्स ने न्यूट्रिशन, डोपिंग और इंजरी के मुतालिक आगाही भी दी। आखिरी दिन तमाम शुरका का थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट लिया गया, जिसमें कामयाब कोचेज को सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस अवार्ड दिए गए। शाहीन अकेडमी के कोच मोहम्मद शरीफ का अकेडमी पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल भी किया गया। इस सिलसिले में एक सादा और पुरवकार तकरीब मनाकर, जिसमें अकेडमी चीफ इंस्ट्रक्टर इंटरनेशनल क्वालिफाइड रेफरी इरफान नयाब और खिलाड़ियों ने कोच मोहम्मद शरीफ को हार पहनाकर मुबारकबाद दी और मिठाई भी खिलाई। खिलाड़ियों से खिताब में चीफ इंस्ट्रक्टर इरफान नयाब ने कहा कि ये ना सिर्फ हमारी अकेडमी बल्कि ज़िला लक्की मरवत के लिए एहसास की भी बात है कि मोहम्मद शरीफ नेशनल लेवल पर क्वालिफाइड कोच बन गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कराटे एक मुनफरद खेल होने के साथ साथ एक सेहतमंदाना सरगर्मी है, जिससे खिलाड़ी की जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा होती है। आजकल के जदीद दौर में कराटे का माशरे में एक बेहतरीन किरदार और वक्त की ज़रूरत है। आखिर में इरफान नयाब ने बेहतरीन कोर्स के इनेकाद पर पाकिस्तान कराटे फेडरेशन के चेयरमैन मोहम्मद जहांगीर का, खैबर पख्तूनख्वा कराटे एसोसिएशन के सेक्रेटरी खालिद नूर और कोऑर्डिनेटर शाह फैसल साहब का शुक्रिया अदा किया और तमाम कोचेज को मुबारकबाद।